नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मौसम विभाग ने कच्छ, उत्तरी गुजरात और दक्षिण राजस्थान में कल तक के लिए भीषण वर्षा की आशंका व्यक्त की। तूफान बिपरजॉय पूर्वोत्तर की ओर बढ़ा। देश के विमानन क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी से मई के दौरान 36% की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंची। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चबा कुरोशी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में पहुंचे, किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता से बाहर। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। चक्रवात बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। ये धोलावीरा से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम और भुज से उत्तर उत्तर पूर्व में 80 किलोमीटर दूर केंद्रित था। मौसम विभाग के अनुसार ये पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने और आज रात तक कमजोर होने का अनुमान है। चक्रवात के प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से सामान्य, कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं आज और कल अत्यधिक तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर के उत्तर पूर्व और आसपास के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। राजस्थान में आज रात बिपरजॉय तूफान पहुंचने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में मौसम विभाग ने बताया है कि बिपरजॉय कमजोर हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज रात इसके प्रभाव से राज्य के कई जिलों में तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। कई जिलों में SDRF की टीमें तैनात की गई हैं, वहीं कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों ने नागरिकों को 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थाओं, जिम, पर्यटन स्थल और समर कैंप को कल भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आज बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बाड़मेर और सिरोही जिलों में तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ और पोल गिर गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात के द्वारिका और सौराष्ट्र में अगले 3 घंटों में भीषण वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के बनासकांठा, साबरकांठा और उत्तरी गुजरात के पाटण में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फिलहाल उत्तरी गुजरात के जिलों में तेज वर्षा हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया है कि पहले ही योजनाबद्ध होने के कारण राज्य सरकार तूफान से नुकसान को कम करने में सफल रही है। देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभिन्न घरेलू एयरलाइनों के ट्रैफिक डेटा के आधार पर यात्रियों की संख्या इस वर्ष जनवरी से मई के दौरान 636 लाख से अधिक हो गई। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36% से अधिक है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी पक्षों के सहयोगी प्रयासों ने विमानन क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और भारत को एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हरियाणा के हिसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमानों का संचालन शीघ्र शुरू हो जाएगा। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आज हिसार में संवाददाताओं को बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शानदार टर्मिनल का निर्माण पूरा होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लघु अवधि के उपाय लागू करने के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को ठीक करने के लिए पहल की गई है।
इन दिशा निर्देशों के तहत प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को ठीक कराने के अधिकार दिए गए हैं। निदेशक पहचान तथा संबंधित राज्य पुलिस प्रमुख या जिला सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर ऐसे क्षेत्र को ठीक करने पर 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। 10 लाख से 25 लाख रुपए तक के लघु अवधि उपाय करने का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दिया गया है। ये वित्तीय अधिकार प्राधिकरण द्वारा पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों के अलावा हैं। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना निदेशक दुर्घटना की आशंका वाले प्रत्येक क्षेत्र पर 25 लाख रुपए तक के लघु अवधि उपायों के जरिए अधिसूचित क्षेत्रों को ठीक कराने की मंजूरी दे सकते थे। लघु अवधि उपायों में उन्नत चेतावनी संकेतों के साथ जेब्रा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर और रेलिंग, जंक्शन सुधार, सोलर लाइट या ब्लिंकर, सड़क साइनेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना और दवाओं की बिक्री में 150 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दाधीचि ने कहा कि इस योजना ने नागरिकों को पिछले 9 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद की। 9484 अभी हैं जन औषधि केंद्र। इसकी संख्या इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक 10,000 का लक्ष्य है। इसके बाद जितनी जरूरत होगी हम उतने जन औषधि केंद्र देश में खोलेंगे। ये भी निर्णय लिया गया है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को भी जन औषधि के अंदर शामिल किया जाए। तो PACS उनके हैं देश में, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, 2,000 जन औषधि केंद्र उनके माध्यम से भी खोलने का एक निर्णय लिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हमारा धर्म देश की सेवा है, हमारा कर्म देशवासियों की रक्षा करना है। हम अपनी जिम्मेवारी शान से निभाते हैं। हम हैं भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप भी शामिल होइए। भर्ती आरंभ होने की तारीख 1 जून 2023 से 30 जून 2023 है और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए careerindianairforce.pdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर हैदराबाद में हैं। वे आज रात हैदराबाद के राजभवन में ठहरेंगे। राष्ट्रपति कल सुबह डुंडीगल की वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड देखेंगे। वे अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों तथा मित्र देशों के कैडेटों को बैज प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से अमरीका और मिस्र की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। अमरीका यात्रा के दौरान श्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाशिंगटन में अगले दिन प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत किया जाएगा और वे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीकी कांग्रेस की एक साझा बैठक को संबोधित करेंगे। आधिकारिक बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री का अग्रणी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने का भी कार्यक्रम है। वे भारतीय मूल के सदस्यों से भी मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी इस महीने की 24 तारीख को काहिरा पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ बातचीत करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ विचार विमर्श करने की भी संभावना है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चबा कुरैशी ने कहा है कि उन्हें 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने तथा देश की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत की परंपराओं और लोकाचार के अनुरूप सरकार ने 9 वर्षों में सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी से किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया है।
श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत विज्ञान 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन आज भोपाल में शुरू हुआ। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि विज्ञान का लक्ष्य समाज के साथ मिलकर अधिक संवहनीय, समावेशी और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण करना है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने ज्ञान की बाधाओं को दूर करने, शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है। वे आज पुणे में एल्सेवियर के सहयोग से भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में एक संगोष्ठी में बोल रहे थे। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 बैठकों के दौरान भारतीय चाय बोर्ड प्रतिभागियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इन सुविधाओं में भारतीय चाय के विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। टी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ एम मुत्तु कुमार ने आकाशवाणी के साथ बात करते जानकारी दी है कि भारतीय चाय की जानकारी विदेशी डेलीगेट्स को देने से भारतीय चाय उत्पादकों को लाभ मिलेगा। एक्सपीरियंस जोन्स में भारतीय चाय का स्वाद तो मिलता ही है, इसके अलावा कॉफी और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में कॉफी और मसाले पदार्थों की जानकारी भी दी जा रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महिला 20 की तीसरी और अंतिम कार्य समूह की बैठक आज चेन्नई में संपन्न हो गई। इसमें संबंधित देशों ने महिला विकास में अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन किया। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने और लोकतंत्र की भावना का उत्सव मनाने पर आधारित APJ अब्दुल कलाम प्रदर्शनी मंडप का भी उद्घाटन किया गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा। सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा HS प्रणॉय जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मोहम्मद रियान आरियांटो और फेजर अल्फियान को सीधे सेटों में 21-13, 21-13 से मात दी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में HS प्रणॉय ने तीसरी वरीयता प्राप्त जापान के कोडाई नाराओका को 21-18, 21-16 से हरा दिया। एक अन्य पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत चीन के ली शी फेंग से हार गए। इस बीच खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ा दी है। ये सुविधा राष्ट्रीय खेल संघों के लिए मंत्रालय की सहायता योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारियों के लिए लागू होगी। पहले प्रतिदिन खर्च की अधिकतम सीमा $150 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों के सुझाव मांगे हैं। नमो ऐप और माई गॉव पर सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। शेयर बाजार का सेंसेक्स 63,385 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,826 के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 81.94 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा भाव में सोना 59,475 प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 72,500 प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $75.81 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने कच्छ, उत्तरी गुजरात और दक्षिण राजस्थान में कल तक के लिए भीषण वर्षा की आशंका व्यक्त की। तूफान बिपरजॉय पूर्वोत्तर की ओर बढ़ा। देश के विमानन क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी से मई के दौरान 36% की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंची। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चबा क्यूरोशी ने कहा वे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा HS प्रणॉय सेमीफाइनल में पहुंचे और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता से बाहर।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।